हेलो नमस्कार, मैं रविंद्र चौधरी युवा किसान संगठन से। आज मैं यहां पर पटाड़ा पंचायत के गांव में खड़ा हूं, जो शिप्रा नदी के अंदर, शिप्रा नदी के पार्ट पे मैं खड़ा हूं। और ये शिप्रा नदी इस तरीके से महत्वपूर्ण है कि इस साइड अगर आप देखेंगे तो ये सांवेर विधानसभा का क्षेत्र है, और इस साइड अगर आप देखेंगे तो ये हाटपिपलिया विधानसभा का क्षेत्र है। अब हमको यहाँ ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये वही नदी है जिसको नर्मदा और शिप्रा नदी को जो लिंक परियोजना है, इसको जो जोड़ा गया, ये वही नदी है। और आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ये नदी सूखी पड़ी हुई है। ये वो समय है जब किसानों को अपनी फसलों के लिए, चाहे वो गेहूं की फसल हो, चाहे वो प्याज की फसल हो, चाहे वो लहसुन की फसल हो, पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अगर अभी पानी नहीं मिलेगा तो किसानों की जो फसल है, लगभग 50 से 60% उसका उत्पादन इसकी वजह से प्रभावित होगा, या यूं कहें कि कम होगा। ये जो सांवेर विधानसभा से जो विधायक आते हैं, तुलसीराम सिलावट जी, जो कि जल संसाधन मंत्री हैं, उनके हाथ में ही है इस नदी, जो नर्मदा और शिप्रा लिंक परियोजना है, उनके हाथ में ही है। उनके विभाग का काम है कि वो यहाँ पर पानी की उपलब्धता करा सकते हैं। दूसरा, जो हाटपिपलिया क्षेत्र के जो विधायक हैं माननीय मनोज चौधरी जी, वो भी भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, और वो भी आसानी से मंत्री जी से या हमारे मुख्यमंत्री जी से बात करके, मैं समझता हूँ, इसकी पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कर सकते हैं। मैं सब लोगों को यहाँ बताना चाहता हूँ कि कम से कम 100 से 125 पंचायतें जो हैं सांवेर विधानसभा की, और करीब करीब 150 पंचायतें देवास जिले की, इसकी वजह से प्रभावित होती है। अगर समय रहते हम यहाँ पर पानी की उपलब्धता करा देंगे तो निश्चित रूप से यहाँ के किसानों की फसल, जो उन्होंने खून पसीने से तैयार किए, अपना पूरा परिश्रम के साथ, अपने पुरुषार्थ के साथ तैयार किए, उसको सही उत्पादन मिलेगा, वो उसको बचाने में वो लोग सफल हो पाएंगे। अगर समय रहते यहाँ पर पानी नहीं मिला तो कम से कम 1000 करोड़ रुपए का किसानों को यहाँ पे उत्पादन का नुकसान होगा। मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हमारे जनप्रतिनिधि, जब चाहे वो विकास यात्रा की बात हो या अन्य कोई शुभ काम की बात हो, चाहे अपने चुनाव प्रचार की बात हो, वो जब करने जाते हैं तो वो शिप्रा मैया की पूजा करते हैं। तो जिस तरीके से हमारे हाटपिपलिया विधायक मनोज चौधरी जी ने अभी जब विकास यात्रा की शुरुआत की थी, तो उन्होंने भी शिप्रा नदी के तट से माता शिप्रा की पूजा करके ही शुरुआत की थी। तो मैं उनसे भी हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि वो इसकी सुध ले और इस नदी में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करे, ताकि किसानों को इस समस्या से निजात मिल सके। जय जवान, जय किसान, किसान बचाओ, देश बचाओ, युवा किसान संगठन, धन्यवाद।